इसलिए किया जा रहा है कि जो सपना 100 साल पहले बाबा अम्बेडकर साहब ने देखा था कि जो हमारा भारत है वो पूरी दुनिया में लीड करेगा, और लीड कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा में भी, शिक्षा का मतलब तो सिर्फ यह हो गया ना कि जिस बच्चे को बोलना आता है या जिस व्यक्ति को बोलना आता है लिखना आता है वो शिक्षित हो गया। तो तब तक तो यह सोच था कि सबको शिक्षित कर दे, लेकिन उसको भारत कैसे प्रतिनिधि करे पूरे विश्व में, कैसे नंबर वन बने, उसमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे है, आत्मनिर्भर कैसे बने, तो उस पे हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग और विकल्पा फाउंडेशंस ने काम करना शुरू किया। और यह सोचा गया कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाएं तो बहुत हैं, हम उसमें खोजने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे